हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी अंडा में। मेरा नाम अजित कुमार दास है। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में देखेगा छत्तीसगढ़ में लगभग 180 पदों पर जो है भर्तियां निकली हुई है अलग अलग, जिसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से हम लोग काफी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए दोस्तों, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आपकी साइट में ओपन हो गया। दरअसल जो भर्ती निकाली गई है भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी रायपुर शाखा के द्वारा, अब इसके डिटेल्स क्या क्या हैं इसे मैं संक्षिप्त और आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। दरअसल देखिएगा, भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी जिला रायपुर के अंतर्गत आपदा प्रबंधन हेतु एवं देखिएगा कोरोना महामारी के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु एनएमडीसी के सहयोग से लगभग 172 विभिन्न पदों पर देखिएगा जो कि अस्थायी पद हैं। देखिएगा इनका जो मैक्सिमम देखिएगा ड्यूरेशन है आपकी जॉब का, ये अधिकतम 6 माह का होने वाला है। इसके लिए देखिएगा यहाँ पे भर्ती ली जा रही है। अब भर्ती के डिटेल्स वगैरह दिए गए हैं, देखिएगा कौन कौन से पोस्ट है इनका मैं पूरे डिटेल्स आपको बताते चलता हूँ। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे पहला पोस्ट जो ये है देखिएगा स्पेशलिस्ट का, जिसके लिए देखिएगा क्वालिफिकेशन चाहिए आपको एमडी एनेस्थीसिया मेडिसिन या पल्मोनोलॉजिस्ट। इसके लिए देखिए कुल मिलाकर 9 पोस्ट है। दूसरा पोस्ट देखिएगा यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर, जिसके लिए एमबीबीएस का जो है आपके पास डिग्री होना चाहिए। डेंटिस्ट जो है इसके लिए देखिएगा बीडीएस की डिग्री, और आयुष एमओ जो है इसके लिए बीएमएस का होना चाहिए। इन तीनों के मिलाकर देखिए कुल मिलाकर 24 पोस्ट है। तीसरा पोस्ट देखिए हॉस्पिटल मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन का, इसके लिए देखिएगा आपका जो क्वालिफिकेशन है वो एमबीए एचआर का होना चाहिए, इसके लिए कुल मिलाकर 1 पोस्ट है। चौथा देखिएगा यहाँ पे स्टोर इंचार्ज कम फार्मासिस्ट का, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो है डी फार्मा या बी फार्मा, इसके लिए कुल मिलाकर 6 पोस्ट है यहाँ पे। पांचवा देखिएगा नर्सिंग स्टाफ की जो है यहाँ पे पोस्ट निकले हुए हैं, इसके लिए देखिएगा क्वालिफिकेशन जो है वो चाहिए आपको बीएससी नर्सिंग या जीएनएम, इसके लिए कुल मिलाकर पदों की संख्या 48 है। छठवा पोस्ट देखिएगा दोस्तों, पोस्ट का नाम है नर्सिंग ऑर्डरली, इसके लिए देखिएगा जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो है 8वीं पास, और यहाँ पे कुल मिलाकर पदों की संख्या यहाँ पे 24 है। सातवां पोस्ट देखिएगा हाउसकीपिंग सुपरवाइजर, इसके लिए देखिएगा जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो है एनी ग्रेजुएट, कुल मिलाकर यहाँ पे पदों की संख्या 6 है। आठवां देखिएगा हाउसकीपिंग स्टाफ क्लास 4, इसके लिए देखिएगा जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो है 8वीं पास, और इसके लिए कुल मिलाकर पदों की संख्या 24 है। नौवां देखिएगा डीईओ या रजिस्ट्रेशन के लिए, यहाँ पे देखिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो है 12th पास, एवं देखिएगा पीजीडीसी या डीसीए वाले भी भर सकते हैं, इसके लिए देखिएगा टोटल पोस्ट की संख्या जो वो है 6। दसवां देखिए ऑक्सीजन टेक्नीशियन का, इसके लिए देखिए क्वालिफिकेशन चाहिए वो है पॉलिटेक्नीशियन या आईटीआई इलेक्ट्रीशियन, इसलिए कुल मिलाकर पदों की संख्या 6 है। ग्यारहवां देखिएगा ऑक्सीजन स्टाफ डेली वेजेस क्लास 4th के लिए, यहाँ पे देखिएगा जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो है 10th पास, और यहाँ पदों की संख्या 30 है। बारहवां देखिएगा लैब टेक्नीशियन के, इसके जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो है बीएमएलटी या डीएमएलटी, इसके लिए कुल मिलाकर पदों की संख्या 6 है। तेरहवां देखिएगा टेलीफोन ऑपरेटर, इसके लिए देखिएगा जो बेसिक क्वालिफिकेशन चाहिए आपको वो है एनी ग्रेजुएट, इसके लिए देखिएगा दोस्तों नंबर ऑफ पोस्ट 6 है। चौदहवां देखिएगा यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का पोस्ट है, क्वालिफिकेशन देखिएगा 10th पास, और कुल मिलाकर पदों की संख्या 6 है। तो ये सब टोटल कर दे तो कुल मिलाकर आपका 172 पद बनता है, जिसके लिए पूरी भर्ती निकली हुई है। इसके नीचे देखिएगा अन्य नियम एवं शर्तें भी दिए गए हैं। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं शेयर कर दे रहा हूँ, उसे आप जाके जो है आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों लास्ट में बता दो, देखिएगा अगर पूरे पीडीएफ में कुछ भी आपको डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। इसके तरह अगर इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप प्राप्त कर पाएंगे, और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप साथ नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, साथ साथ कमेंट बॉक्स मिल जाएगा, तो उस लिंक को क्लिक करिए, हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए और इस पीडीएफ को वहां पर आप डायरेक्टली प्राप्त कर पाएंगे। तो वीडियो के माध्यम से इस अपडेट से रिलेटेड सारी जानकारियां जो है मैंने आपके साथ काफी डिटेल में शेयर करने की कोशिश की है। उम्मीद करूंगा कि वीडियो को पसंद भी आया होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो को पसंद है वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।